और श्री जसवीर जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर की फीलिंग पूछ ली जाए आपकी दमदार तालियों से पूछेंगे दमदार तालियां कैसी लग रही रिकॉग्निशन पहले मैडम से जान लिया जाए आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम मधु वर्मा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे हस्बैंड की रिकॉग्निशन हो रही है डूबी की सब बच्चों से भी जान लें कैसा लग रहा है बेटा बहुत अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है इनके लिए जोरदार तालियां आइए दोस्तों आप सर के मुंह से ही सुनते हैं कि क्या फीलिंग है सर की माइक हैंड ओवर करते हैं आपकी तालियों के साथ शरद जी को थैंक यू दोस्तों नमस्कार कैसा लग रहा है आज का दिन चलो बहुत मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि हमारे बीच में जैसे अभी जसवीर सर स्टेज से बोल रहे थे कि हमारे बीच में मरकरी लीडर से भी आगे के लोगों को एंट्री किया है मरकरी एंड अबव लोगों ने एंट्री किया है तो ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां दोस्तों जोरदार चलो दोस्तों मैं कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिसने हमें इतने अच्छे महान मेंटर्स दिए और सेफ शॉप जैसी कंपनी दी इसके लिए जोरदार ताली है दोस्तों स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर जसवीर सर को जो हमारे मरकरी लीडर हैं लाल बहादुर शर्मा सर को और माधव सर और विजयपाल जी को इन चारों महागुरुओं के लिए जोरदार तालियां दोस्तों जोरदार और सबसे स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा ट्रिपल क्राउन इन्वेस्टर मिस्टर संजय जैन जी एंड वर्षा जैन जी दोस्तों मेरे में वो हिम्मत नहीं कि मैं कोई स्टेज से बोल पाऊं लेकिन थोड़ा अपने विषय में भी बता सकता हूं क्योंकि मैं जब इस बीच में आया था तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो कुछ मेरी ज़िंदगी में होना था वो हो चुका था और मैं अपनी ज़िंदगी के 6.5 साल जॉब भी कर चुका था जॉब तो लग गई थी क्योंकि अपना जो लेवल था ना बहुत ज़मीन से नीचे के था पिताजी किसान हुआ करते थे हम 3 भाई हैं 2 बहनें हैं कैसे भी करके हमारे पिताजी ने 5 लोगों को पढ़ाया था
सारे लोगों ने अपने अपने सेट कर लिए थे, लेकिन मैं बड़ी मेहनत करके, क्योंकि मैं जब शुरुआत के दिनों में पढ़ा करता था तो मुझे पता चल गया था दोस्त, अगर इंजीनियर बन जाओ तो जिंदगी सुधर जाएगी, अपनी भी सुधारेंगे, अपने गांव वालों की सुधारेंगे। इस वजह से मैं मैकेनिकल इंजीनियर बना था, क्योंकि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर की मीनिंग ही नहीं पता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे गाँव में किसी ने पढ़ाई नहीं की, खानदान में किसी ने पढ़ाई नहीं की, और मैं बनता तो कैसे बनता। लेकिन मैं अपने गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी गाइडलाइंस में रह के मैं काम किया था, पढ़ाई की थी, उन्होंने कहा कि सरज अगर तू कर सकता तो एक इंजीनियर बन जा तो हो सकता है तेरी ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। मैंने फिर रातों दिन मेहनत करके, कैसे भी करके, अपनी साइकिल चला के, पैदल चल के, हर तरीके से मजदूरी करके भी मैंने खींच खांच के, कैसे भी करके इंजीनियर की डिग्री ली। ऊपर वाले ने भाग दिया था स्कूल से।